चल मुकेश मार के दिखा। अभी मार के दिखा। मुकेश तेरे अम्मा बुला रहे। अरे यार हम तो भूल गए, हमको घर जाना है मामी के। अम्मा जान खेलने के लिए। मुकेश तुम जहाँ जाते हो जहाँ दोस्ती ये कर लेते हो, चलो मामी से मिल लेना तब जाना। जान दीजिए ना। ठीक तुम जाओ। ठीक बताइए भल दीदी जी, अभी प्रक्रिया से फिर ऐसी करी है। ठीक है दीदी। ठीक दीदी जाइयो। ठीक है। प्रणाम भाभी। खुश रहा। तेरा पर्चा करवा दे दीदी। हमारे नाना दे लिखीन है, बहुत साल के बाद है लिखीन है। प्रणाम दीदी, हमारा मानती देवी नाम हो, गाजीपुर से अलियो। माँ काली जी का स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और जन्य ग्राम संगठन के सचिव हो, नारी शक्ति संकुल संघ लहुआर क्लस्टर से अलियो। चलो हम भी अपन पर्चे बता दे, अथी समूह के नाम बता दे दीदी। हम सरिता कुमारी नाम है और भूई गांव होले। गायत्री जीव का स्वयं सहायता समूह के सदस्य है और प्रगति जीव का महिला स्वलंबी सहकारिता समिति लिमिटेड के सदस्य है। ज्ञान जीव का महिला संकुल संघ भूई के सदस्य है। ठीक है दीदी, हम यह समूह में जुटल हुए दीदी। हमारा नाम सरोज है को, बड़ी दिन पर तो हनी ननद भोजा अला है, बात करा हम जाए दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। आ सब ठीक है ना? हाँ भाभी ठीक है, लेकिन बारह दिन से सोच रही लावे मगर मौके नहीं मिल रहा है। फिर मौका मिले तो कली जरूर जाऊँ मिल आम। भाभी आलू कौच कर रहा हुआ? मानते ए आलू बीज शोधन करने के लिए है। अच्छा बीज शोधन कर रखा की भाभी। बीज शोधन। भाभी बीज आलू के बीज शोधन के लिए तो हम कभी सुना नहीं भाभी, तो आलू बीज शोधन करने से क्या फायदा होगा? आलू से बीज शोधन करने से मानते बीज का अंकुरित अच्छा होता है और उपज में अधिक उपज होते हैं। परंपरा से जब हम रोपते हैं तो कम उपज होता है और श्री विधि से उपज करते हैं तो अधिक होते हैं। भाभी हमको भी सिखाइएगा, हम भी बीज शोधन करके आलू रोपेंगे। क्यों नहीं, अभी कर रही हूँ, इससे सीख लो। देखो मानते बीज आलू का बीज शोधन करना बहुत आसान है, इसमें सिर्फ तीन सामग्री की जरूरत है। देखो जिस तरह से हम खेती करेंगे, खेती के आधार से हमको बीज लेना है। जब हम थोड़ा खेती करेंगे तो उसके लिए 5 किलो आलू हम सबसे पहले सामग्री में लेंगे। दूसरा सामग्री है आलू ढकने के लिए 1 जूट की बोरा। 5 किलो आलू के लिए 1 लीटर बीजा अमृत। मानती तेरे बीज शोधन करके देखा रही। देखो मानती 5 किलो आलू के लिए 1 लीटर बीजा अमृत को इस तरह आलू को फैलाकर ऊपर से छिड़कना है। अच्छा भाभी, मतलब 5 किलो आलू में 1 लीटर बीजा मित्र डालना है ना? हाँ, 1 लीटर बीजा मित्र डालना है। ठीक है भाभी। देखो मानते हम अब ये फैला हुआ आलू है, फैलावल है, एरा पर हम बीजा मित्र अब एरा पर छिड़क देवे छितरा से 1 लीटर। अब एरा हम अच्छी तरह से हाथ से मिला देवे एरा हम। ठीक हो भाभी, हम मदद करिए भाभी। कहे करिए, इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं बीजामृत को, कि हाथ से मिलने से क्या होता है कि सभी स्थान पर अच्छी तरह से मिल जाता है। अभी हम इसको जूट के बोरा से ढक के रखेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक देंगे जूट को बोरा से।
अच्छा भाभी इसको कितने घंटे तक झांक के रखिएगा? 12 घंटा तक इसको बीज को छोड़ देंगे छायादार स्थान पर, इसमें धूप ना लगे, 12 घंटा छोड़ देना है छायादार स्थान पर। अच्छा भाभी, मानो 12 घंटा तक इसको झांक के रखते हैं छायादार जगह पर, नमी जगह पर। हाँ। अच्छा भाभी, इसको 12 घंटा तक क्यों झांक के रखते हैं? इससे इसमें अंकुरित जल्दी होगा। जब भी आलू को शोधन कीजिएगा मानते, तो ध्यान में रखना तीन चीज। सबसे पहले 5 किलो आलू लीजिएगा तो उसके लिए बीजा मित्र 1 लीटर और जूट के बोरा रखना। जूट के बोरा जरूरी है, इसमें प्लास्टिक के बोरा इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको इसको छायादार स्थान पर रखना है 12 घंटा। 12 घंटा रखने से बीज अंकुरित सही से होते हैं। ठीक भाभी, मानो 5 किलो आलू में 1 लीटर बीजा मित्र डाले हैं और जूट के बोरा से मानो झांप के 12 घंटा के लिए रखना। अच्छा है दार जगह, अब प्लास्टिक के बोरा इस्तेमाल नहीं करना है ना? एकदम सही समझे, अब आप सही से बीज शोधन कर लीजिएगा। ठीक है भाभी। चलो मानती, अब कुछ खिलाते हैं। आते ही बीज शोधन करने के लिए सीखने बैठ गई, और मुकेश नहीं आई? आया भाभी, मगर शैतान खेलने भाग गया है। आए होंगे। चल चलते हैं अंदर, चलो।